नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। भोजपुर में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ये बदमाश जो है वो 3 की संख्या में बैंक में घुसे और लूटपाट की। इसके बाद वो हथियार लहराते हुए वहां से निकल गए, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां की पुलिस जो है छानबीन करने में जुट गई। और पुलिस का क्या कुछ कहना है पहले आप सुने। तो पता चला 3 लड़के वहाँ पर आए थे और ग्राहक के रूप में अंदर गए और कैशियर के पास जो है कुछ पैसे जो रखे थे और उसको जो है वो झपट्टा मारे और जैसे फिर उसने रोकने की कोशिश की तो एक उनके पास कट्टा था तो उसको डराते हुए फिर वो पैसे लेके भागे। कितने पैसे लेके भागे सर बता रहे हैं? तो पहले ये आया था कि उसने जल्दबाजी में बोला कि 1,00,000 रुपये के आसपास है, लेकिन फिर बाद में जो उन्होंने अपना वेरीफाई किया टोटल अकाउंट तो पता चला कि 30,000+ रुपये यानी लगभग 31,000 रुपये के आसपास जो है टेबल पे था, वही वो लेकर भाग गए हैं। और उन्होंने लिखित रूप से बैंक वालों ने इसको दे भी दिया है तो लगभग 31,000 रुपये के आसपास जो है वहाँ से लेकर भागे थे तीनों अपराधी। और तीनों अपराधियों की फुटेज से जो हमारी टीम गई थी तत्काल जो है 15-20 मिनट में वहाँ टीम हमारी पहुँच गई थी और इन्होंने पूरा फुटेज भी निकाल लिया है और उसको ट्रैक भी कर लिया गया है। और हम लोगों को सूचना भी प्राप्त हो गई है कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे और आसपास के ही हैं, उसके लिए हमारी टीम निकल चुकी है। हो सकता है आज रात में ही या बहुत जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाए। आपने SP को सुना, जिनका कहना है कि इसकी जानकारी मिलते ही वो इस पे कार्रवाई किए और उसके बाद मामले की छानबीन कर रहे हैं, जिसके साथ वो CCTV फुटेज को भी खंगाल रहे हैं। वहीं इस मामले में बैंक कर्मी का क्या कुछ कहना है पहले आप सुने। लंच का टाइम था, उस समय 3 अपराधी आए, आके वाच करके गए, देख कर गए कि क्या कितना आदमी है क्या है। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद लोग आए जी, है ना, उसके बाद गेट बंद किए आगे से, इधर से जी लॉक कर दिया। उसके बाद सभी के एक जगह करके सभी को गाली गलौज करके एक जगह कर दिए। कैशियर से हमारे भीड़ गए तीनों कारतूस लेकर, और इसके बाद तीनों पैसा मांगने लगे, गाली गलौज करके शीशा फोड़ने लगे और पैसा तो कैशियर हमें पैसा दे दिया, है ना, 1,00,000 रुपया लगभग था पैसा। हथियार भी लिए, हथियार तीनों लिए थे, कारतूस लिए, तीनों लिए थे हथियार। 2 मास्क लगा के आए थे, एक बुरा गुरु में मांग के आए थे, बाइक से थे। हाँ, बाइक तीनों बाइक से थे। बाहर का आदमी बता रहा था कि वो काला रंग की ब्लैक थी बाइक थी, बाहर का आदमी बता रहा था, और पैशन प्रो थी। राकेश कुमार लगभग 1,00,000 रुपया गया है कैश। आपने बैंक कर्मी को सुना, जिनका कहना है कि 3 अपराधी बैंक में घुसे और उसके बाद लूट कांड के मामले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी जो है हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अब बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह गुरुवार को भी बैंक में रुपये के लेन देन का काम चल रहा था। इसी बीच 3 अपराधी बैंक में घुसे और बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पे ले लिया। बैंक बखोरापुर काली मंदिर के गली में स्थित है। जिस वक्त लुटेरे बैंक में पहुंचे उस वक्त तो वहां काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना बदमाशों ने बैंक में जमकर लूटपाट की और 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की कांड को अंजाम दिया और उसके बाद बैंक कर्मियों को भी गन पॉइंट पर रखा, जिसके बाद वो लूटपाट करके वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन कर रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका